हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा यदि आपने डॉलर खरीदते समय, ठीक है, आपने डॉलर खरीदते समय पैसा अपने पार्टी को भेज दिया है। अब पार्टी ने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है, उससे पहले आपने यहाँ पर देख रहे हैं कैंसिल दी ऑर्डर, यहाँ पर यदि आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा। तो यही मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में। यदि आपने पैसा भेज दिया है पार्टी को और आपने डॉलर, मतलब पार्टी ने डॉलर रिलीज़ नहीं किए, आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, तब क्या होगा, और आपने कैंसिल दी ऑर्डर पर क्लिक कर दिया। अगर आपने क्लिक कर दिया तो होगा ये कि आपका जो फ़ंड है वो भी चला गया है और डॉलर हैं फाइनेंस की तरफ से उसको जो फ्रीज हुए हैं अनफ्रीज हो जाएंगे और उसको वापस अपने अकाउंट में मिल जाएंगे, फंडिंग वॉलेट में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है क्योंकि आपका फ़ंड चला गया है, तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी बाइनेंस पर, ठीक है, तभी आपका ये यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आपको काफ़ी मेहनत यहाँ पर फिर करनी पड़ सकती है, या फिर हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा कभी ना करें। आपने यदि पेमेंट भेजा है, डॉलर लिए हैं, तो जो सामने वाला बंदा है वो ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। ऑप्शन आपके आईडी पर आता रहता है, ये देखिए आया हुआ है, और आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है, और जैसे ही वो कंफर्म करता है कि हमको पेमेंट मिल चुका है, वैसे ही बाइनेंस आपके अकाउंट में आपकी आईडी पर जितने भी डॉलर होते हैं वो डिपॉजिट कर देता है। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।